हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राज फ्रॉम राजटेक। आज हम देखेंगे 35 रुपया रिचार्ज करके कैसे आप वैलिडिटी जो है वो 71 डेज तक आप एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है जी हाँ फ्रेंड्स, लेकिन आपको 35 रुपया ही रिचार्ज करना होगा और 35 रुपया ही आपको देना होगा 70 डेज के लिए एक्सटेंड वैलिडिटी एक्सटेंड करने के लिए। ठीक है, तो उसका जो स्टेप है उसको आपको जो जैसे मैंने किया वैसे ही कीजिए, आपको 71 डेज तक आपको वैलिडिटी मिल जाएगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, तो उसका कुछ कंडीशन है, आपको स्टेप बाय स्टेप देखा देता हूँ, वीडियो स्किप मत कीजिए। ठीक है, पहला है आपको एयरटेल एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली मोबाइल नंबर OTP वेरिफिकेशन करके आपको ये जो एप्लीकेशन है इसके अंदर जाना होगा। ठीक है, तो मेरा मोबाइल नंबर देखिए इधर शो हो रहा है। तो पहला रिचार्ज क्या करना होगा, देखिए मैंने एक नोटपैड भी कर लिया। पहले 8 से 35 करना होगा। ठीक है, तो मैंने रिचार्ज नाउ में जाना होगा। तो ऐसा 8 से 35 ढूंढने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, कि वो किधर है, आपको सिंपली क्या करना होगा, फिल्टर में जाना होगा। जाने के बाद ये जो प्राइस रेंज इसको जितना हो सके उसको कम करना है, उसके बाद अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो देखिए 35 आ गया, पहले 129.65 35। तो 35 में आपको क्या मिलेगा, 35 में आपको 26.66 टॉक टाइम मिलेगा, वैलिडिटी 28 डेज मिलेगा। और मैंने आई बटन ने मैं क्लिक किया, वही जो बात बोला वही इसमें डिटेल में है, टॉक टाइम 26.66, डेटा 100 MB, वैलिडिटी 28 डेज। तो आप 35 रुपया रिचार्ज कर लीजिए, सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद पेमेंट कीजिए। मैं अभी पेमेंट नहीं करूँगा, मैं आपको पहले स्टेप बता दूँ, उसके बाद मैं रिचार्ज करके भी देखा देता हूँ। ठीक है, तो आप 35 पहले रिचार्ज कर लिया, तो आपको कितना दिन हुआ, 28 डेज। ठीक है, तो 28 डेज आपको हो गया पहला। ठीक है, प्लस 28 डेज वो कैसे होगा, जब आप 35 रिचार्ज कर लिया उसके बाद आपको कितना मिलेगा, 26.66 रुपया आपको मिल गया अकाउंट पे। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, 28 डेज आपको वैलिडिटी हो जाएगा। उसके बाद 28 डेज के बाद 29 जब होगा, एयरटेल एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसके मदद से आपका ये जो 26.66 टॉक टाइम है आपका मेन अकाउंट पे, उसमें 23 रुपया आपको माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 26 है, तो 26 से आपका 23 रुपया माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको फिर 28 डेज मिल जाएगा। ये सेकेंड वाला प्लान जो 23 का प्लान है वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। उसमें आपको क्या मिलेगा, आई बटन में क्लिक करके देख लीजिए, उसके में आपका वैली टॉक टाइम कुछ नहीं मिलेगा, वैलिडिटी 28 डेज मिलेगा। और ठीक है, तो 28 डेज उसके साथ 28 डेज कर लीजिए, तो 35 में आपका 28 नॉर्मली हुआ, उसमें आपका 26 रुपया टॉक टाइम मिला, उसके बाद 28 डेज के बाद आपका ऑटोमेटिक 23 वाला प्लान है 23 वो एक्टिवेट हो जाएगा। वो कितना दिन रहेगा, फिर 28 डेज, तो दोनों मिला के कितना हुआ, 56 डेज आपको इनकमिंग एंड आउटगोइंग फैसिलिटी मिल गया। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर 15 डेज क्यों किया, देखिए अगर आपको सिर्फ इनकमिंग कॉल आने से आपका काम हो जाए, तो लास्ट जो 15 डेज है वो आप काउंट कीजिए। अगर आपको इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों ही चाहिए, तो लास्ट जो 50 डेज है उसको काउंट मत कीजिए, क्योंकि देखिए मेरा जो सिम है, मेरा दो सिम है, एक एयरटेल एक जियो, मैं जियो से इनकमिंग आउटगोइंग होता, एयरटेल सिर्फ इनकमिंग के लिए रहता, मेरा जो बहुत पुराना नंबर है उसमें इनकमिंग आता है। ठीक है, जो करना है कॉल मैं जियो से करता हूँ। तो आपको अगर सिर्फ सिम रखना है, चालू रखना है, तो
तो इनकमिंग से आपका काम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 1, 2, 3 हैज़ एयरटेल में हमें बैलेंस वैलिडिटी चेक करने के लिए कॉल किया। तो इधर एक ऑप्शन है, उसको आपको देखा देता हूँ तो आपको भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपका जो करना है आपको, मतलब 71 में आपका 28+28 मतलब 56 डेज आपका इनकम इन एंड आउट गोइंग मिल जाएगा, ठीक है। तो नहीं हुआ, मैं फिर से ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। देख लेता हूँ बैलेंस एंड वैलिडिटी। तो बैलेंस एंड वैलिडिटी देखने के एक ही मकसद है, आप उधर से देख सकते हो कि कैसे आपका जो 15 डेज ऐड किया वो क्या है, आप कैसे देख सकते हो। तो इधर हो रहा है, देख लेता हूँ एयरटेल एप्लीकेशन में कुछ अवेलेबल है कि नहीं। तो पहले 35-23 में आपका जो ए बोला ए हो गया, मतलब इनकमिंग एंड आउटगोइंग। आपका लास्ट जो 15 डेज मैंने ऐड किया वो 15 डेज आपको सिर्फ इनकमिंग आएगा, ठीक है। वो क्यों, वो इसलिए देखिए मेरा वैलिडिटी ख़त्म हो गया बहुत दिन पहले, बहुत दिन, देखिए अभी तक 7 डेज है। मतलब जब आपका एयरटेल का वैलिडिटी ख़त्म हो जाता उसके बाद 15 डेज आपका सिर्फ इनकमिंग कॉल आता, ठीक है। 15 डेज तो आपको क्या करना होगा, जब 14 डेज होगा उसके बाद ही आपको रिचार्ज कर लेना होगा, ठीक है। मेरा अभी इनकमिंग चालू नहीं, आउटगोइंग चालू नहीं है लेकिन इनकमिंग है। देखिए अभी 7 डेज मेरा सिम चलेगा, ठीक है, सर्विस एक्सपायरिटी, मतलब आपका आउटगोइंग बंद हो जाएगा 56 डेज के बाद। उसके बाद 15 डेज जो है वो सिर्फ इनकमिंग एक्टिव रहेगा। तो जब आपका सर्विस एक्सपायरी डेट 1 डे हो जाएगा तब आपको रिचार्ज कर लेना है फिर 35। तो उसमें क्या हुआ, आपको 35 में 71 डेज का आपको जो वैलिडिटी है वो मिल गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हमने देखा कैसे 35 रिचार्ज करके स्मार्टली आपको 71 डेज तक आपको रिचार्ज नहीं करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।